जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूली का पराठा बनाना बताऊंगी। ये सारा प्रिपरेशन मैं रेडी कर रखी हूँ। इसमें क्या क्या डालना है और कैसे। ये मूली 1 केजी था, उसको मैं खींच के और इसका अच्छी तरह से निचोड़ के रस निकाल के इसको रखी हूँ। और ये प्याज है, बड़ा एक प्याज था, मैं छोटा ली हूँ तो 2 प्याज। ये हल्दी पाउडर है और ये थोड़ा लहसुन है, ये 2 हरी मिर्च है। और ये तड़का मैं लगाऊंगी। तड़का के लिए क्या है, अजवाइन जो है, अजवाइन आप थोड़ा ज़्यादा डालना, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा, और ये 2 तेज़पात है और ये हींग है। तो कैसे कैसे बनाती हूँ आप देखिए मेरे साथ। ये देखिए फ्रेंड, ये कढ़ाई चढ़ा रखी हूँ मैं, इसमें तेल डाल के, कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी तेल भी गर्म हो गया है। तो इसमें करना क्या है, सबसे फर्स्ट में इसको 2 तेज़पात जो है इसको ऐसे करके दे दी, ये पक जाएगा। फिर ये जो मैं आपको पहले दिखाई थी, थोड़ा अजवाइन है, थोड़ा जीरा है, अजवाइन थोड़ा ज़्यादा है, जीरा थोड़ा है और सरसों थोड़ा है। इसको मैं एक साथ डाल देती हूँ और इसको थोड़ा मैं पकने देती हूँ, ये अच्छी तरह से पक जाएगा। और अभी इसके बाद क्या करना है, हींग बताई थी मैं, तो ये हींग है, 1 चुटकी हींग जो है, क्योंकि इसमें जो है मूली में गैस बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें हींग डाल देती हूँ। ये हींग हो गया, ये भी पक गया है सारा चीज़। और अभी इसमें मैं रेडी करके जो रखी हूँ, ये लहसुन है, सबसे पहले लहसुन डाल देती हूँ। और फिर ये 2 हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये जो है मेरा हल्दी पाउडर है, इसको भी मैं अभी तेल में ही डाल दूँगी। ये मेरा ये हो गया, इसको थोड़ा देर में पका लेती हूँ। हल्दी जो है इसमें पक जाएगा तो अच्छा सारी चीज़ में इसका जो है। अब ये प्याज मैं 2 कट कट के रखी थी, ये प्याज भी इसमें मैं इसको डाल दूँ। इसको भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस नॉर्मल हल्का सा इसको आपको फ्राई करना है। आपको सिर्फ मूली भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी आपको जो है मैं नींबू बताना तो मैं भूल गई, तो अभी मैं इसमें नींबू भी, अगर आपके पास आमचूर हो तो वो डाल सकते हैं। जिसके पास आमचूर ना हो, नींबू तो हर किसी के पास रहता ही रहता है, तो मैं आपको नींबू दिखाना भूल गई हूँ। तो मैं अभी लाऊंगी नींबू, ये मूली डाल के फिर नींबू बताऊंगी कि नींबू कब डालना है। ये देखिए हल्का सा टर्न हो गया, इसको ज़्यादा भूनना नहीं। ये मूली मैं जो पानी निचोड़ के इसका निकाल के रखी हूँ, और ये भी इसमें मैं अभी डाल देती हूँ। तो अभी इसको मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, इसका जब तक पानी पूरा ना पक जाए। ये अभी मूली इसमें डाल दी हूँ मैं, और इसको इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको फ्राई करने, इसका जब तक पानी ना सूख जाए तब तक आप इसको नीचे नहीं, जैसे स्टोव से जो है नीचे नहीं उतारेंगे। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और अभी मेरा फ्लेम हाई है और थोड़ी देर के बाद इसको मैं स्लो करूँगी। स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे ही सारा चीज़ करना है, अगर आपका जल रहा हो तो लो कर लेना, लेकिन अभी इसमें जलने का कोई ये नहीं है। अभी इसको अच्छी तरह से मिला के फिर इसको मैं अभी इसमें जो है मैं नमक भी अभी डाल देती हूँ, जो साथ साथ में ये पक जाएगा। ये स्वाद के अनुसार जो है नमक डाल दी मैं। अभी इसको फिर से मिला के इसको बिल्कुल आराम से जो है इसको पकने दूंगी, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। ये थोड़ा मूली भी पक जाएगा और इसका पानी भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं बताई कि आपको नींबू नहीं बताएंगी, तो मैं नींबू भी बताऊंगी कब डालना है, आप लोग देखते रहें। ये मैं इसको धीमे आँच से ही पका रही हूँ मैं। और इधर मैं आपको बताई नहीं थी, मेरे पास नींबू मेंशन करना मैं भूल गई थी आपको, तो ये मैं 1 बड़ा नींबू था उसका रस निचोड़ रही हूँ। अगर रस ना हो तो आप 2 नींबू का रस निकालना। ये तो मैं 1 निकाली हूँ तो इतना मेरे में आ गया। इसको कब डालना है वो मैं बताऊँगी,
आपके साथ मेरे साथ आप रहिए। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो मूली का पानी था उसको मैं फेंकी नहीं थी, तो ये मूली के पानी में जो है मैं आटा को मिला के इसमें एक चम्मच दो चम्मच जो है तेल डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाल के इसमें, और जो मूली का पानी था उसमें थोड़ा अलग से पानी ऐड करके इसको आटा को मैं गूंथ के, आप रोटी भी बनाते हो रोटी बनाने से आधे घंटे पहले अगर आटा गूंथ के रख देते हो तो आपका रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और सुंदर बनेगा। तो ये पूरी के लिए मैं दो रेडी करके रख ली हूँ, इसको ढक के अभी मैं छोड़ देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये भुज गया है, दिख रहा है कि पक गया है। तो अभी इसको क्या करना है, अब पक गया है तो अब इसको मैं, अगर आपके पास अमचूर हो तो वो डालना है, और अमचूर ना हो तो लेमन जूस भी आप डाल सकते हो, उससे भी टेस्टी बनता है। ये लेमन जूस जो था मैं इसको डाल के इसको अभी पाँच या सात मिनट आप ऐसा पकाना कि इसका पानी सूख जाए, मैं टाइम नहीं बता सकती हूँ एग्जैक्ट इसका, तो अभी बना रहे हैं तो इसलिए आप देखना है कि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए, जो आप फील करोगे तो वो आजू बाजू से निकले ना। तो इसको मैं अभी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको मैं अभी भूज रही हूँ। ये देख, अभी इसको धीमा आंच कर देना है, इसको धीरे से पकने देना है। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा अभी नीचे से चिपक रहा है, मीन्स कि इसका सारा पानी जो है सूख गया है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक के ड्राई हो गया। और हरा धनिया है, आपकी इच्छा हो तो डालना, ना इच्छा हो तो ना डालना, मेरे पास थोड़ा पड़ा है तो मैं कुछ थोड़ा डाल दूँ इसमें, ये अपने इच्छा पे, इसका कोई ये नहीं है कंपलसरी है कि हरा धनिया डालना ही डालना है। ऐसे ही आप बनाओगे गर्मी में, अभी सर्दी में जो है गर्म गर्म पराठा बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, इसको दही के साथ या चटनी के साथ जो पसंद हो, या सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। ये मेरा रेडी हो गया ये मूली फिल करने के लिए, अब मैं आपको मूली पराठा बना के दिखाती हूँ पराठा कैसे बना। ये देखिए फ्रेंड, अभी आपको मैं ये तैयार करके मैं रखी थी, और अभी आपको ये मूली पराठा का मैं दिखा रही हूँ कैसे बनाना है, इसको फिल कैसे करना है और कैसे बनाना है। बिल्कुल ईजी है, इसको आटा बिल्कुल आपका सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट नहीं, अगर टाइट हुआ तो फिर ये जो है इसके साथ जो है ये फटके, ऐसे भी ये हो जाता है। इसको बिल्कुल आराम से इसको, थोड़ा तो आपको सॉफ्ट आटा इसका बनाना होगा, अगर डो आपका सॉफ्ट नहीं रहेगा तो फिर ये जो है फटके निकल जाएगा, बहुत ही नाजुक रहता है इसको बनाना। थोड़ा सा इसमें पेशेंस की ज़रूरी है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए मेरा भी जैसे इनकम्प्लीट हो गया, ये हो जाता है ऐसे, लेकिन कुछ भी नहीं इसमें, ये इसको बिल्कुल हल्के हल्के बेलन से इसको, ज़्यादा इसको पुश नहीं करना है, ज़्यादा जोर से नहीं करना है, आराम से इसको। ये देखिए ये मेरा तैयार हो गया, ये देखिए अभी इसको पकाऊंगी। इसको आप दही के साथ या चटनी के साथ, जिसके साथ आप पसंद करना चाहते हो उसके साथ आप खा सकते हो इसको। ये देखिए फिर ये इसको पक गया है, फिर दो साइड इसको जैसे आप चपाती सेकते हो वैसे इसको सेक लोगे, सिंपल है कुछ भी नहीं। ये थोड़ा ऑयल डालना है और इसको जो है हल्के हल्के दबाते हुए इसको, इसका हर कोना सिक जाए, कोई भी कहीं भी जो है कच्चा ना रहे, बस जल्दी से इसको बनाना आराम से और टेस्टी बनेगा। ये देखिए मेरा टेस्टी पराठा जो है, मूली का पराठा, ठंडी का मूली का पराठा, गोभी का पराठा, ये ठंडी में तो आलू का पराठा तो फेवरेट होता ही है सभी का, लेकिन अभी सर्दी में आप ये पराठा बना के खाओगे आप भूलोगे नहीं, बार बार ये मूली पराठा ही खाना चाहोगे। ये देखिए ये आंवला और धनिया की चटनी है, ये दही है और ये मेरा पराठा खाने के लिए तैयार है। फ्रेंड आप लोग बनाइए और खाइए।